सीआरपीएफ GC2 में पौधारोपण का किया गया कार्यक्रम। सीआरपीएफ GC2 में आज पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सांसद भागीरथ चौधरी व अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए सीआरपीएफ IG विकास सहगल ने बताया कि राजस्थान में सभी सीआरपीएफ केंद्रों पर पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान में 1,70,000 पौधे लगाने के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिसमें अजमेर GC1 और 2 में 30,000 पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें आज कार्यक्रम की शुरुआत GC2 में की गई, जहां कार्यक्रम में सांसद भागीरथ चौधरी व अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि पौधारोपण के लिए 3 से 4 टीमें बनाई गई हैं, जो कि पौधारोपण करेंगी और पौधों की देखभाल करेंगी। अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा एक पूरे देश भर में एक सघन वृक्षारोपण का अभियान चलाया गया है, और CRPF जहाँ भी है पूरे देश भर में, वहाँ एक सघन अभियान वृक्षारोपण का एक चला है। उसके अंतर्गत आज अजमेर यहाँ CRPF इस परिसर में भी एक आयोजन हुआ है, एक वृक्षारोपण का यहाँ कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है। ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि वृक्ष लगेंगे तो भी मानव सुरक्षित रह पाएगा। वृक्ष ये है जो हमें प्राणवायु देता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड तो ग्रहण करता है और ऑक्सीजन देता है, और मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन ग्रहण करता है, तो ये प्रकृति को बचाने के लिए, और ये बहुत बढ़िया एक बड़ा सघन अभियान ये चला है। इसके अंतर्गत 60,000 वृक्ष लगाने का प्रावधान है A और B में, फर्स्ट और 2 में, दो में ये वृक्षारोपण का अभियान चला है। और इसके अंतर्गत आज यहाँ हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव जी देवनानी जी और सभी और भी यहाँ पधारे हैं, और ये बहुत बड़ा सुखद अनुभव महसूस हो रहा है कि वृक्ष लगेंगे तो ही जीवन बचेगा, और इसके लिए ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम आज यहाँ शुरू। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने देश भर के अंदर पर्यावरण शुद्ध हो, वायुमंडल ठीक रहे, और जिस प्रकार से औद्योगिकरण के कारण सारा वायुमंडल विषाक्त होता जा रहा है, ऐसे समय स्वास्थ्य की दृष्टि से शुद्ध जीवन मिले, लोगों की बीमारियां दूर हों, और साथ में हम सबको अच्छे फलदार पौधे मिलें, इस कोरोना के दौरान हमारी इम्यूनिटी ठीक हो, इसके लिए देश भर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आज से CRPF ने प्रारंभ किया है। मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं दूंगा कि इस प्रकार से राजस्थान में 1,70,000 पेड़ लगा करके आगे बढ़ें, और आशा करूंगा कि सभी लोग इन पेड़ों को ज़िंदा रखेंगे, इनकी संभाल करेंगे, ताकि पेड़ बड़े होकर के आगे बढ़ें। और साथ में आम जीव से भी अपील करूंगा कि वे हर एक व्यक्ति अपने जन्मदिन पर, अपने शादी के वर्षगांठ पर एक पेड़ अवश्य लगाएँ, ताकि भारत में जिस प्रकार से गर्मी टेम्परेचर हमेशा बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर तक पिघल रहा है, उससे मुक्ति मिल करके हम सब लोग मिल करके इस प्राकृतिक वातावरण को ठीक करें और वृक्षारोपण के कार्य को बढ़ावा दें। जी सर। कितने पौधे लगाएंगे? हमें पूरे राजस्थान में तकरीबन 1,70,000 पेड़ लगाने का जो है दायित्व दिया गया है, जिसमें से कि 30,000 पौधे अजमेर में हमारा जो ग्रुप केंद्र 2 जहां पर आज आप उपस्थित हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई है, और 30,000 पौधे जो हैं वो हमारा ग्रुप केंद्र 2 जो है एक जो है वो लगाएगा। इसी प्रकार से 30,000 पौधे जो RTC हमारा रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर जोधपुर है वहां पर लगाए जा रहे हैं, और 20,000 पौधे 83 बटालियन RAF और 246 बटालियन CRPF द्वारा जयपुर में लगाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से 1,30,000 पौधे यहाँ लगाए जा रहे हैं, और 35,000 के करीब पौधे जो हैं माउंट आबू में जो हमारी आंतरिक सुरक्षा एकेडमी है उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा कदम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उठाया है देश के लिए, और हमें हमारा नेतृत्व आज स्वयं हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने दिल्ली में किया है, हमारे परिसर नोएडा में पौधा लगाकर, जिससे कि हमारा मनोबल बहुत ऊंचा हुआ है। और आज ही के दिन हमने
ये निर्णय लिया है कि इस लक्ष्य की प्राप्ति में आज पहले दिन हम 10,000 से 15,000 पौधे पूरे राजस्थान में लगाएंगे, ताकि इस कार्य का शुभ आरंभ हो और इसको अपने अंतिम मुकाम तक हम लेकर जाएंगे, जिसके लिए हम किसी भी प्रयास में पीछे नहीं हटेंगे। और ये हमारा संकल्प है कि इसके बाद भी हमारे जितने सेंटर हैं, आज भी मेरी चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट से बात हुई और मैंने सांसद जी से भी अनुरोध किया और उनको आश्वस्त किया है कि आप हमें पेड़ देते रहिए और हमारे अधिकारी और हमारे जवान मिलकर इसको पूरे राजस्थान में जहां भी आप कहेंगे लगाते रहेंगे और इस देश को हरा भरा बनाएंगे और विकास की ओर अग्रसित करेंगे। धन्यवाद। क्या जी हाँ, हमने तीन चार चार टीमों का गठित किया है। एक टीम तो जो है वो है जो कि जिन्होंने इन गड्ढों को तैयार किया है, एक टीम वो है जिन्होंने पौधों का आयोजन किया है वन विभाग से मिलकर, एक टीम वो है जो कि आज पौधे लगाएगी, उसके बाद एक टीम वो है जिसकी जिम्मेवारी इसके लिए जल की व्यवस्था करने की रहेगी और जल पहुंचाने की रहेगी, और एक टीम वो है जो कि इनको देखती रहेगी कि यदि कोई पौधा पनप नहीं रहा है तो उसको दोबारा बदली किया जाएगा और दोबारा लगाया जाएगा। तो इसको सिर्फ एक महज औपचारिकता या एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, ये आने वाले कई महीनों तक चलेगा और इसको संपन्न किया जाएगा।